प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश ब्रदर प्रदीप कुमार राजकोट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ संदेश। मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा सलाम। आज के मनन के लिए हम फिलिपियों की पत्री से उसका पहला अध्याय और 27 आयत से हम पढ़ेंगे और कुछ बातों को हम सीखेंगे। हम पढ़ना चाहते हैं 27 कलम को। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं अपोस्टल पॉल जो है इस बात को फिलिपी की कलीसिया को और फिलिपी के लोगों को यह वह जो है आग्रह करते हैं और उनसे जो है सावधान रहने के लिए इस बात को बोलते हैं कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मेरे प्रियो, हम सब इस बात को जानते हैं, सब विश्वासी भाई बहन का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के योग्य है होना चाहिए और या कहें दूसरी बात तो मसीह के समान होना चाहिए। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु को विश्वास के साथ ग्रहण किया है वह व्यक्ति स्वर्ग राज्य का नागरिक होने का अधिकार पा लिया है। मेरे प्रियो, हम जब स्वर्ग राज्य का नागरिक होने का एक अधिकार प्राप्त किया है, मेरा और आपका यह उत्तरदायित्व है कि हम जब इस संसार में जीते हैं तो हमारा जो जीवन है, हमारा चाल चलन जो है, इस संसार से बदलाव होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पे थे तो जैसा कि उन्होंने प्रेम किया है, एक मसीही भाई बहन को इस संसार में उसी प्रकार का प्रेम करना है, उसी प्रकार एक दूसरे की सह लेना है। इसलिए जब हम फिलिपियों की इस पत्री को और उसका 27 कलम को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है यह स्मरण दिला रहे वहाँ के लोगों को और कहते हैं कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सुसमाचार क्या है? यदि हम देखेंगे कुरंथियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत पे हम देखते हैं किस प्रकार लिखा है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है।
यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है स्मरण दिलाते हैं कि हमने तुमको पहले भी वो सुसमाचार सुनाया और तुम विश्वास भी करते हो जिसके कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है, तो उस बात को क्या करो, स्मरण करो, उसको याद करो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब है एक गुड न्यूज़, अच्छा संदेश। और इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, ये है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है इस संसार पर परमेश्वर के जो पुत्र मानव रूप में आए और सब मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिए। उन्होंने हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, मेरे और आपके पापों के लिए गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। मेरे प्रियो, इसलिए मेरा और आपका जो चाल चलन है, प्रेरित पौलुस इसलिए वह वहाँ के लोगों को यह स्मरण दिलाते हुए, उनको सावधान करते हुए, चेतावनी देते हुए इस बात को कहते हैं कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जब हम देखते हैं कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय के 10वां कलम को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस बात को हम पढ़कर देखते हैं, लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो प्रेरित पौलुस जो है इस बात को फिर स्मरण दिलाते हुए और लोगों को कहता है कि इतना करो ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और कहते हैं सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना है, उस पर विश्वास किया है, हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का अधिकार को होने का नागरिकता मिल गया है, तो हम और आपको क्या करना है? प्रेरित पौलुस जो है इस फिलिपियों की पत्री 1:27 में दो बातों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज और महत्व बताते हुए इस बात को कहते हैं कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के योग्य हो। दूसरी बात को कहते हैं एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करो। मेरे प्रियो, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को अभी विश्वास नहीं किया है तो जल्दी से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे विश्वास करके यदि ग्रहण करते हैं, उस स्वर्ग राज्य का अधिकार होने का प्राप्त अधिकार मिलता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि जो कोई अभी स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने का अधिकार नहीं पाया है, जल्द से जल्द प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपने स्वर्ग राज्य की नागरिकता को प्राप्त करे। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। सबों को धन्यवाद।